अग्रवाल फ्रॉम अग्रवाल क्लासेस। देखिए हम आज टेंस कर रहे हैं जो कि हर आगे ग्रामर का पूरा पार्ट्स जो है उसी पे डिपेंड करता है, और टेंस का बेसिक जो है हम कुछ वर्ब में पढ़ चुके हैं। और मैंने जब वर्ब की सीरीज शुरू की है उसमें मैंने बताया था कि अगर हम इसको वर्ब को कम्प्लीटली देखते जाते हैं तो हमारे टेंसेज जो है वो आगे भी क्लियर होते जाएंगे। और अभी जो हम कर रहे हैं वो टेंस का स्ट्रक्चर सीख रहे हैं कि किस तरह से टेंस की स्ट्रक्चर एक ही वीडियो में हम कम्प्लीट करेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ जो ज़रूरी चीज़ें हैं कि टेंस में हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है पहले उसे देख लेते हैं। देखो टेंस में सबसे पहले तो ये देखें कि टेंस में हम जो वर्ब यूज़ करेंगे दैट विल बी फाइनाइट वर्ब। देखो फाइनाइट वर्ब हम यूज़ करेंगे इसमें, और फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो सब्जेक्ट और उसके सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग चेंज होती है, और फाइनाइट वर्ब में टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है, यानी हमें पूरा का पूरा जो है वो यहाँ पे फाइनाइट चाहिएगा। फाइनाइट वर्ब में हमारे पास कौन कौन सी रहती है, एक तो हमारी मेन वर्ब होती है जिसे लेक्सिकल प्रिंसिपल मेन वर्ब फुल वर्ब आप कुछ भी कह सकते हैं। दूसरी हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है, और जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं उसके अंदर भी हमारे पास फिर डिवीज़न होता है कि जो प्राइमरी है उसमें हमारे पास जो है बी डू और हैव रहती है, और जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं उसमें हमारे पास कैन कुड मे माइट, और जो सेमी मॉडल्स में हैं वो नीड एंड डेयर रहती है। ओके अब जो बी के फॉर्म्स है उसमें बेसिकली देखिए बाकी अगर टोटल अगर हमें निकालें तो जैसे सबकी कितनी फॉर्म्स, फाइव फॉर्म्स में हम मेन वर्ब की जब बात करते हैं तो हमारे पास V1, V2, V3, V4, V5, जैसा कि मैंने पिछली प्रीवियस वीडियोस में भी अपना बताया है कि किस तरीके से हम वर्ब्स को जो V5 है SES लगने के बाद, V1 जो है SES लगने के बाद V5, और V1 यानी बेस फॉर्म में ही जब हम INC फॉर्म लगा देते हैं तो वो V4 बन जाती है। ठीक है तो अब देखो हम ये देखते हैं कि बी की फॉर्म्स में ये बेस फॉर्म है, बी की फॉर्म्स में हमारे पास देखो सिंगुलर और प्लूरल, साथ ही साथ इसे समझ लेते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल की भी बात को। देखो कि बी की फॉर्म्स में सिंगुलर में हमारे बी की फॉर्म्स में हमारे पास इजमआर होता है, इजमआर में से एक बार आर को छोड़ दीजिए क्योंकि वो उसको आई के साथ हम पढ़ेंगे क्योंकि आई के साथ ही आता है हम तो, और इज और आर में से इज हमारा सिंगुलर है आर हमारा प्लूरल है, तो इसको हम एक बार सिंगुलर में लिख लेते हैं आर को प्लूरल में लिख लेते हैं। एक बार आप इसे अच्छे से लिख लेंगे तो आपको कभी भी गलती होने की संभावना भी नहीं है। और बी की फॉर्म में इज एम आर को हमने लिख लिया, और ये जो हमारी फॉर्म है ये हमारी प्रेजेंट फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म जब भी हम इसे यूज़ करेंगे ये ओनली प्रेजेंट फॉर्म में हमें यूज़ करनी है। अब डू की फॉर्म्स में अगर कहें तो डू में हमारे पास यहाँ होता है वो डू में हमारे पास यहाँ होता है डस, और यहाँ हमारे पास हो जाता है डू, ये भी प्रेजेंट की है, प्रेजेंट फॉर्म की ही बात कर रहे हैं। उसके बाद अगर डू की पास्ट फॉर्म की बात करें तो हमारे पास रहता है डिड। देखो डिड जो है इसका सिंगुलर और प्लूरल का दोनों में बस ये एक ही रहती है, कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं है। अब आते हैं यहाँ पे कि हैव की फॉर्म्स में क्या आता है, हैव में हमारे पास यहाँ हैज़ हो जाता है और यहाँ हमारे पास हैव हो जाता है, ये हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, ये सारी प्रेजेंट की फॉर्म है। और क्योंकि पास्ट में हमारे पास अब देखो बी की फॉर्म में ये सारा प्रेजेंट था, बी की फॉर्म में हमारे पास जो सिंगुलर प्लूरल का रहता है वो है सिर्फ वाज और वर। अब देखो बी में इज आर एम, एम को हमने अलग कर दिया आई के साथ देखेंगे। फिर बी की फॉर्म में पास फॉर्म देखेंगे तो पास फॉर्म में हमारे पास सिंगुलर प्लूरल होता है जो है कि वॉज और वर। ठीक है इसमें हमने कहा कि डू और डज, ठीक है डज और डू, क्योंकि डू बेस फॉर्म है, सिंगुलर मैंने यहाँ लिखा है तो सिंगुलर में यहाँ डज आ गया है और ये डू हो गया है। वैसे डू डज बोला जाता है क्योंकि बेस फॉर्म अगर आप इसको मानते हैं डू डज बोल दीजिए क्योंकि सिंगुलर तो हम SES लगा के बनाते हैं, लेकिन मैंने बेस फॉर्म पहले ये बताई है आपको, ये फिर सिंगुलर और ये प्लूरल। उसके बाद हैव की देखें तो हैज़ और हैव हो गई है, ये हमारी सिंगुलर ये भी प्लूरल, ये प्लूरल अगेन ये फिर प्रेजेंट टेंस में यूज़ होती है, प्रेजेंट एंड प्रेजेंट ये भी प्रेजेंट फॉर्म है। बस ये याद रखिएगा कि ये प्रेजेंट फॉर्म्स हमने ये लिखी है, ये जो एक लिखी है वो पास्ट फॉर्म लिखी है। सबके पीछे देखिए यहाँ एस दिखा है सिंगुलर में, और इन सबके पीछे आप देखेंगे कि एस
या ई एस वाली फॉर्म जो होगी वो यहाँ पे आपको दिखेगी सिंगुलर में। अब आते हैं मेन वर्ब पे। अब मेन वर्ब में तो यहाँ पे जो भी बेसिक अगर आप देखोगे, मैं आगे यहाँ पे गो की बना देती हूँ। सपोज ये बेसिक है, बेसिक मतलब बेस फॉर्म है यहाँ पे। अगर मुझे इसकी सिंगुलर बनानी है तो हम इसकी गो की जब बनाते हैं, यानी यहाँ पे वी वन एस और ई एस कनेक्ट होके बनेगा, तो इसकी बन जाएगी गोज। ये एग्जांपल के लिए लिखा मैंने यहाँ पे। तो वी वन के साथ, जिस भी वी वन के साथ आप एस ई एस लगाएंगे, दैट विल बी सिंगुलर। ओके, अब यहाँ पे अगर हमें प्लूरल करनी है, दैट विल बी वी वन ओनली, बेस फॉर्म हम यहाँ पे लिखेंगे। अब इसकी जो वी वन रहेगी ये गो हो जाएगी। अब ये भी हमारी प्रेजेंट फॉर्म ही हमने लिखी है, अभी पास्ट फॉर्म हमने नहीं लिखी है। तो ये देखिए कि ये कंप्लीट हमें किसके साथ यूज़ करना है। देखो, जब हम सब्जेक्ट की बात करें, वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो सकता है, उसके बाद कोई भी अदर वर्ड हो सकता है। देखो, सब्जेक्ट वर्ब असेंशियल पार्ट है। सब्जेक्ट और वर्ब हम लिखते जाएंगे हर जगह पर। हमारा सब्जेक्ट तो चेंज हो सकता है क्योंकि हम जिस सब्जेक्ट से सेंटेंस को बना रहे हैं, लेकिन सब्जेक्ट तो रहेगा। वर्ब हमारी टेंस फॉर्मेशन में काम करेगी कि टेंस चेंज करना है, पास करना है या प्रेजेंट करना है, तो वर्ब ही इसके बारे में बताएगी। तो सारा का सारा मतलब जो बेस्ड है वो वर्ब पे बेस्ड है, ठीक है। तो अब देखिए कि इस एक तो सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल हो सकता है, एक हमने देखा वर्ब सिंगुलर प्लूरल हो सकती है। जो सब्जेक्ट है वो कौन कौन हो सकता है? नाउन और एक प्रोनाउन हो सकता है। नाउन और प्रोनाउन में भी हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, ठीक है। तो जो नाउन है वो सिंगुलर में अगर ले लीजिए बॉय ले लिया और इधर बॉयज ले लिया, ठीक है। लेकिन जो प्रोनाउन है उसमें हमारे पास जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये भी रहता है, हमें पर्सन्स भी देखने होते हैं इसके। तो अभी इसको एक बार यहाँ हमें देखना होगा। पहले पर्सन्स देख लेते हैं हम, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के पर्सन्स में ले लीजिए फर्स्ट पर्सन में पहले, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हमारे पास आ जाते हैं, सिंगुलर में आए, यहाँ मैं सिंगुलर प्लूरल भी लिख देती हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास आए, प्लूरल में हमारा वी हो जाता है। देखो, यू जो है ना वो सिंगुलर में भी यू रहता है, प्लूरल में भी यू। अगर मेरे को एक स्टूडेंट को, यानी मुझे एक लड़के को बोलना है तो वो यू एक स्टूडेंट के लिए, और सभी स्टूडेंट के लिए कहना है तब भी मुझे यू ही कहना होगा। उसके बाद थर्ड जो है, थर्ड पर्सन में हमारे पास यहाँ होगा ही, शी और इट। ये जो है वो सिंगुलर में रहेंगे, और इन सब का जो प्लूरल बन जाएगा वो दे बन जाएगा। इन चीज़ों को अगर आप अच्छे से देख लेंगे तो आगे हर ग्रामर के हर पोर्शन में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो ये जैसे हमने किया आई वी, ये हमारे प्लूरल है। अब हमें समझना है कि हमारा जो सब्जेक्ट के साथ अग्रीमेंट है वो कैसे रहेगा। देखो, ये बॉयज़ था। अब हमारा यहाँ पे वर्ब यूज़ करना है। मान लीजिए मुझे मेन वर्ब में से कुछ यूज़ करना है, तो देखिए मेन वर्ब हमारी पहले से तो जो प्लूरल होती है, नाउन जो है वो पहले से सिंगुलर होता है। ये हमारा सिंगुलर है, ये हमारा प्लूरल है। लेकिन वर्ब में देखिए जो एस एस वाली है वो सिंगुलर है, तो यहाँ हमें बॉय के साथ करना है तो हमें गोज करना होगा, और अगर हमें बॉयज़ के साथ करना है तो ये स्ट्रक्चर इस तरीके से हमें बनानी होगी। तो ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हमारा यूँ रहेगा, बॉय गोज टू स्कूल और बॉयज़ गो टू स्कूल, इस तरीके से हमें इनका अग्रीमेंट रखना होगा। अब वो तो चलो इजी हो गया। अब हमारे पास ये है कि इनके साथ हमें कैसे यूज़ करना है। तो जो हमारा थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उनके साथ हम ये सारी सिंगुलर वर्ब्स यूज़ करेंगे। क्या आ गया यहाँ पे? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम यूज़ करेंगे। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ खाली ये लिखने से ये रह जाएगा, तो इसको हम मेंशन कर देते हैं कि साथ में हमारे पास प्लस क्या आ गया, प्लस सिंगुलर नाउन, ठीक है। प्लस सिंगुलर नाउन के साथ हम ये वर्ब्स यूज़ करेंगे, और बाकी जो बच गई है हमारे पास, एक आई को एक बार छोड़ दीजिए, एक्सेप्शन है, यहाँ भी करेंगे, यू के साथ और दे के साथ, वी के साथ, इन सब के साथ हम ये वाली वर्ब यूज़ करेंगे। एंड नेक्स्ट रह गया हमारा, अगर इधर सिंगुलर नाउन है तो दूसरी तरफ हमारे पास प्लूरल नाउन के साथ हम ये यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ लिख लेते हैं इनको हम कहाँ यूज़ करने वाले हैं। इनके लिए हमारे पास हो गया, एक तो वी हो गया, दे हो गया और यू, यानी जो पर्सन बाकी बच गए हैं उनके साथ हमने फर्स्ट पर्सन के साथ हमने प्लूरल ले लिया, सेकंड पर्सन यू ले लिया, थर्ड पर्सन का भी हमने प्लूरल ले लिया, और जो नाउन बचा, नाउन में हमारे पास
जो हमारा प्लूरल नाउन होगा उसके साथ भी हम ये वाली वर्ब्स यूज़ करेंगे। अब आते हैं आई के साथ। आई के साथ हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, देखो आई में इधर से लेते हैं, हमारे पास वर्ब तो यही है, एम हमने यहाँ से छोड़ा था, यहाँ आ गया, हमने कहा था आई के साथ हम एम यूज़ करते हैं, ठीक है, आई एम, ओके। लेकिन एक और याद रखिएगा यहाँ पे एक बात कि जब एज अ प्रोनाउन यानी आई को हम मैं के रूप में यूज़ कर रहे हैं, मैं बताता है आई, देखिए थोड़ा हिंदी में मैं बता देती हूँ आपको कि इनका मीन्स में ही और शी हम यूज़ करते हैं, एक बॉय के लिए गर्ल के लिए वह वर्ड हो गया, और इनको प्लूरल करना है, बहुत सारे लोग बैठे हैं तो उन्हें हमें वे बोलना होगा, और इसका हम हो गया, यू तो तुम है ही। अब अगर आई को मैं के रूप में यूज़ करना है तब तो इसमें हम एम लगाएंगे, प्रेजेंट फॉर्म में, पास की बात नहीं हो रही, प्रेजेंट फॉर्म में एम लगाएंगे। लेकिन अगर आए एज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर भी तो यूज़ होता है, देखो अगर हमने ये यूज़ किया, अभी अगर कहीं हम कह दें कि आई के साथ तो एम ही यूज़ होता है, आई के साथ आप इज यूज़ कर ही नहीं सकते, तो ये भी आपको याद रखना है कि जब मान लीजिए ए बी सी डी लिखते हैं, ठीक है, ई एफ जी एच, आई जो है आपका 9 नंबर पे आ रहा है, ए इज द फर्स्ट लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट, ए के साथ आपने लगाया इज, अब आप आई को कह रहे हैं थर्ड पर्सन की तरह से कि आई इज द 9th लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, ध्यान रखिएगा डिफरेंस बिटवीन टू, कि अगर हम आई को एज अ प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं यानी मैं के सेंस में यूज़ कर रहे हैं, देन यू विल यूज़ आई एम इन प्रेजेंट फॉर्म, और अगर आपने यूज़ करना है इस तरीके से कि एक मान लीजिए ऐसा आ जाता है कि आई इज, अब इज़ यूज़ किया ना हमने, आई इज़ 9th लेटर, द 9th लेटर, ठीक है, ये 9th लेटर है यहाँ पे अल्फ़ाबेट का, ओके, थर्ड पर्सन सिंगुलर, वो अब नाउन का काम कर रहा है वहाँ पे, और नाउन में वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो मतलब वो पर्सन नहीं है बट सिंगुलर नाउन है, देन आप उसमें इज़ यूज़ करेंगे, तो एज अ प्रोनाउन आप उसमें एम यूज़ करेंगे इन प्रेजेंट फॉर्म, और पास्ट फॉर्म में आपके पास है वॉज, वॉज और वर्ब में से आपको इसमें वॉज यूज़ करना है, ये आपके प्रेजेंट का हो गया एंड ये आप पास्ट में यूज़ करेंगे। उसके बाद आपके पास आता है इन दो में से अगर यूज़ करना है तो आपके पास डू यूज़ करना है, यानी ये आपकी प्लूरल फॉर्म हो गई। देखिए अगर मैं ऐसे लिखूँ अलग से तो आपको थोड़ा ये भी हो जाएगा कि ये सिंगुलर है ये प्लूरल है, ये हमारी सिंगुलर वर्ब है ये हमारी प्लूरल वर्ब है, तो आपको थोड़ा ये ध्यान रहेगा कि कहाँ जो वो है आए सिंगुलर ले रहा है और कहाँ पर आए प्लूरल ले रहा है। इधर से हैव लेगा और उसके बाद वी वन लेगा यानी गो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो आप देखिए ये तो ईजीली याद हो जाता है कि आई के साथ हम एम यूज़ कर रहे हैं, एम तो सिर्फ आई के लिए ही बना, एम आप और किसी के साथ यूज़ नहीं करते, और लेकिन केवल एम बना है ऐसा नहीं है, वो मैंने आपको बताया यहाँ पे, ठीक है, एम तो आई के लिए बना, एम और किसी के साथ यूज़ नहीं कर सकते, बट आई के लिए खाली एम बना ऐसा नहीं है, आई को अगर आप थर्ड पर्सन अगर आप नाउन की सिंगुलर की तरह यूज़ करेंगे देन आप इज़ यूज़ करेंगे। बाकी तो वही है, आई के साथ आपने वॉज यूज़ किया सिंगुलर, लेकिन बाकी आपने प्लूरल यूज़ की है, ठीक है। अब ये तो हो गया कि आपने किसके साथ कौन सी वर्ब यूज़ करनी है। अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब में देखो बेसिकली जो चार्ट है हेल्पिंग वर्ब में देखें तो ये प्रेजेंट की हमने फॉर्म्स लिख दी, इज एम आर, वॉज वर्ब, डू और डज लिख दी, लेकिन इसमें हमारे पास एक बची थी डिड, जो कि सभी सब्जेक्ट के साथ फॉलो करेगी आपका, वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ ही डिड रहेगी। इसमें हमारे पास जो पास्ट फॉर्म आती है वो है हैड, पास्ट फॉर्म हैड, और इसमें हमारे पास कोई ऐसा नहीं है, हमें वी टू लगानी है यहाँ पे, वी थ्री लगानी है, वो अकॉर्डिंग टू टेंस हम अभी सीखेंगे इसे। तो ये आपको अब स्क्रीनशॉट लेना है तो आप एक बार ले लीजिए और उसके बाद हम इसकी टेंस की स्ट्रक्चर करते हैं। हाँ जी देखो अब नेक्स्ट टेंस की स्ट्रक्चर देखने से पहले थोड़ा ये देख लेते हैं कि टेंसेज होते कितने तरह के हैं। देखो ट्रेडिशनली हम पढ़ते आए हैं कि टेंसेज देर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेज, लेकिन इन मॉडर्न इंग्लिश टू टेंसेज ही बताए जा रहे हैं, जिसमें से देखो टेंस का क्या है कि टेंस जो है वर्ब बेस्ड होते हैं एंड वर्ब में हमारे पास अभी तक भी अभी जब से हम सीख रहे हैं हमने प्रेजेंट एंड पास्ट की ही वर्ब सीखी है, देयर इज़ नो वर्ब फॉर फ्यूचर।
तो हमने क्या किया कि फ्यूचर तो हमें बनाना तो है, फ्यूचर टेंस हमें क्रिएट तो करना है, बट देयर इज़ नो वर्ब फॉर फ्यूचर, तो इसे एक टाइम में ले लिया गया है, टाइम टेंस में, टाइम में डाल दिया गया है, टेंस में नहीं है। लेकिन टेंस में हम इसे पढ़ते हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली, तो हमें इसमें मोडल वर्ड यूज़ करने पड़ते हैं। तो वर्ब में हम देखते हैं कि प्रेजेंट एंड पास्ट है, हमारे पास रहती क्या है, एक वी वन रहती है, वी टू, वी थ्री, वी फोर एंड वी फाइव। तो आप यहाँ पे देखते हैं कि वी वन के साथ हमारे पास एस सी एस भी होती है एक, तो वो हमारी वी फाइव होती है, ये मैंने पहले भी बताया। वी टू अकेली, इसके बाद वी थ्री हमारी, और उसके बाद वी फोर में वी वन आई एन जी हम पढ़ते हैं। ये जो वर्ब होती है वो किसके साथ आती है, ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ आती है, ठीक है। इसमें ऑक्सिलरी वर्ब्स में हमने देखा कि मोडल ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, जो मोडल के साथ आती है वो हमारी फ्यूचर में आ जाती है। तो अभी हम इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं कि किस तरह से इसकी स्ट्रक्चर रहेगी। तो प्रेजेंट, पास एंड फ्यूचर, ठीक है। और इसके हमारे पास टेंसेस कौन कौन से हो जाते हैं, देखो सबके पास हमारे होते हैं एक, इसको नाम प्रेजेंट, तीनों में ही हमने सिंपल नाम दिया गया है, और सिंपल को ही इनडेफिनिट भी बोलते हैं। देयर इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट बिटवीन टू, उसको हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम ये समझ लेते हैं कि सिंपल को ही इनडेफिनिट बोला जाता है। और इनडेफिनिट के बाद हमारे पास आता है कंटिन्यूस, और कंटिन्यूस के बाद परफेक्ट, और परफेक्ट के बाद परफेक्ट कंटिन्यूस। अगर याद ऐसे करना है तो हम यूँ लिख सकते हैं कि सिंपल एंड इनडेफिनिट, सिंपल है शुरू में, उसके बाद हमें कोई चीज़ कंटिन्यू करनी पड़ती है, टीनू से याद करिएगा स्पेलिंग को, कंटिन्यूस करते हैं। तो इसका दूसरा नाम याद रखना है कि कंटिन्यूस को और क्या बोलते हैं, तो कोई भी चीज़ कंटिन्यू करते हो तो वहाँ प्रोग्रेस होती है, और इसे प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। और कंटिन्यू करते करते क्या हो जाते हो, परफेक्ट हो जाते हो, ठीक है। और परफेक्ट रहने के लिए क्या करना पड़ता है, कंटिन्यू करना पड़ता है, तो जो लास्ट है वो हो जाता है परफेक्ट कंटिन्यूस। और जहाँ कंटिन्यू लिख रहे हो वहाँ आप प्रोग्रेसिव लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या आ गया, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इनडेफिनिट। अगर सिंपल बोल रहे हो तो पहले बोला जाएगा, और अगर इनडेफिनिट बोल रहे हो तो प्रेजेंट इनडेफिनिट। इसी तरह पास्ट इनडेफिनिट, फ्यूचर इनडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, प्रेजेंट पास एंड फ्यूचर के साथ परफेक्ट लगा दीजिए, और फिर प्रेजेंट पास और फ्यूचर के साथ ही आप परफेक्ट कंटिन्यूस लगा दीजिए। ये तो आपके नेम हो गए हैं टेंसेस के। उसके बाद इनकी जो स्ट्रक्चर है वो देखिएगा। मान लीजिए हमें इनडेफिनिट की स्ट्रक्चर बनानी है, तो इनडेफिनिट में सबसे पहले प्रेजेंट ले लेते हैं। तो देखिए प्रेजेंट के अंदर हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बनेगी, ये प्रेजेंट है हमारा। तो प्रेजेंट में हमने क्या देखा कि हमारे पास फॉर्म क्या थी प्रेजेंट में, प्रेजेंट में हमारे पास या तो वी वन रहती है या वी वन के साथ एस और ई एस फॉर्म रहती है, ये दोनों हमने बताया मेन वर्ब में प्रेजेंट में रहती है। तो सबसे पहले हमें ये करना है कि सब्जेक्ट हमारा होना ही है यहाँ पे, सभी में रहेगा, और सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे हमारे पास जो वर्ब होगी वो वी वन प्लस एस और ई एस, एस और ई एस, और कई कुछ वर्ब्स में आई ई एस भी लगता है, तो एस ई एस और आई ई एस से बनेगी, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। तो अभी हम देख लें कि यहाँ पे आपको मैं सब्जेक्ट के साथ एस ई एस दिखा रही हूँ, तो इसका मतलब है कि इसका सब्जेक्ट के साथ अग्रीमेंट होना चाहिए, या तो ये सिंगुलर होगा तो सिंगुलर, अदरवाइज ये दूसरी स्ट्रक्चर हमारी ओनली वी वन रहेगी, और इसमें हमारा कोई भी एस ई एस नहीं रहेगा। और वो मैंने बताया कि किसके साथ आपको किस तरीके से लगाना है। तो ये तो था कि प्रेजेंट फॉर्म में हमें क्या लगाना है, और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रेजेंट फॉर्म का ये हम अफर्मेटिव, यहाँ पे एक और चीज़ बताऊँ आपको कि ये इन सभी के पास फिर चार चार आपके पास होंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में भी हमने देखा था कि अफर्मेटिव सेंटेंस में, असर्टिव में अफर्मेटिव नेगेटिव आ जाता है, तो एक बार वो वीडियो देखिएगा। बट इनमें जो है वो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस से डिफरेंट रहेगा, एक अफर्मेटिव रहेगा, एक नेगेटिव रहेगा, इंट्रोगेटिव रहेगा और इंट्रोगेटिव नेगेटिव रहेगा। तो बट अभी हम एक बार अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर सीख रहे हैं, ओनली अफर्मेटिव। अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर के बाद हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। अफर्मेटिव में स्वीकारात्मक होता है,
ठीक है, जिसमें हमें नेगेटिव यूज़ नहीं करना, ना ही कोई क्वेश्चन पूछना है। तो उसमें हमारे पास देखिएगा ये इनडेफिनेट के अफॉर्मेटिव सेंटेंस में ये हमने प्रेजेंट का किया इनडेफिनेट, तो इसमें देखा आपने कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब हमने यूज़ नहीं करी। अब पास में देख लेते हैं, पास की फॉर्म हमने क्या बोला कि यहाँ पे वी टू रहेगी, ठीक है, और पास के इनडेफिनेट टेंस में हम कहें तो सब्जेक्ट प्लस वी टू और फिर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखनी है, हमें कोई सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट नहीं है क्योंकि हमने यहाँ दो स्ट्रक्चर लिखी कि एक अगर सिंगुलर है तो ये रख लीजिए सिंगुलर के साथ और ये रख लीजिए प्लूरल के साथ, आप उससे कनेक्ट करिएगा जो इससे जस्ट हमने पिछली स्लाइड में किया था। देखो सब्जेक्ट और वर्ब का कोई एग्रीमेंट नहीं है और इसके साथ हमने वी टू यूज़ करनी है। अब पास इसमें हमने देखना है फ्यूचर में हम क्या यूज़ करेंगे। देखो यही एक चीज़ को पहले समझ लेते हैं कि हम दो ही मॉडल यहाँ यूज़ करने वाले हैं, विल और शैल, और चारों ही फ्यूचर के अंदर वो रहेगी। विल और शैल हमें पक्का यहाँ लिख लेना है कि यूज़ करना ही है। तो इसमें भी एक चीज़ रहती है कि क्योंकि विल और शैल दो है तो डेफिनेटली सब्जेक्ट और वर्ब का रहेगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ आप देखेंगे कि देखो पहले तो हम क्या करते थे, आई और वी के साथ ही शैल यूज़ करते थे। अब आई के साथ एक्सेप्टेबल है कि आप विल यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आपका कोई आ जाता है कि विल और शैल में ऑप्शन आ जाता है तो आप आई के साथ जो है वो शैल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आई और वी के साथ आप ये शैल यूज़ करते हैं, बाकी सब बच गए उनके साथ आप विल यूज़ करते हैं। तो विल और शैल तो रहेगा ही रहेगा यहाँ पे। अब एक बार फ्यूचर को छोड़ेंगे, पहले इधर वाले स्ट्रक्चर को कम्प्लीट करेंगे, उसका थोड़ा अलग है और इसलिए अलग से करेंगे। अब देखो ये हो गया इनडेफिनेट का, इनडेफिनेट आई होप ये क्लियर है अभी। उसके बाद अब हम चलते हैं कॉन्टीन्यूअस पे। नेक्स्ट हमारा कॉन्टीन्यूअस में देखिए, याद रखिएगा अगर हम वर्ब को आईएनजी वर्ब को कॉन्टीन्यूअस वर्ब ही बोल दें, अगर हम कहें कि जो वी वन फोर है वी वन प्लस आईएनजी है उसे कंटिन्यूअस बोल दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि छः के छः जितने भी बच एक तो परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में यहीं लिख लो चाहे वी वन प्लस आईएनजी यूज़ कर रहे हो, ठीक है, और एक आप कंटिन्यूस में वी वन आई एन जी यूज़ कर रहे हो, तो ये कंटिन्यूस फॉर्म हो गई। अगर हम फाइनेट वर्ब में कहें तो फाइनेट वर्ब में वी वन आई एन जी हो गई है ये, और वी वन आई एन जी को हम कंटिन्यूस फॉर्म बोल दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे, सब्जेक्ट तो आना ही है तो वर्ब को ही लिख लेते हैं, सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर प्लूरल मैंने पहले ही बता दिया है। तो यहाँ देखिए कंटिन्यूस के साथ अगर बात करोगे तो जब हमने यहाँ पे कुछ वर्ब्स लिखी थी इज एम आर और वॉज वर, अब यहाँ थोड़ा सा सीख लेते हैं, फ्यूचर को एक बार छोड़ दीजिए यहाँ से हटा दीजिए। तो इज एम आर और वॉज वर, इज एम आर अगर एक्टिव वॉइस की बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ ये भी प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि एक्टिव वॉइस, इन पैसिव वॉइस देयर आर ओनली ओनली वर्ब थर्ड, सिर्फ वर्ब थर्ड यूज़ करते हैं हम यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है, बट इन एक्टिव वॉइस हम चेंज करते हैं। इज एम आर के साथ आप यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, कॉन्टीन्यूस वर्ब यानी वी वन आई एन जी, और वोज वर्ग के साथ भी आप यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं वी वन आई एन जी, और हैज़ हैव और हैड के साथ आप ये क्या यूज़ करते हैं ओनली वी थ्री कर लेंगे। वी थ्री की बात कर रहे हैं हम कि वी थ्री को अगर हम परफेक्ट बोलें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, इसे कंटिन्यूस बोलें तो कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो ये याद करने का तरीका है, अदरवाइज़ तो आप कुछ भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे प्रेजेंट है तो प्रेजेंट वाली फॉर्म ले लीजिए इज एम आर, और कंटिन्यू है क्योंकि कंटिन्यू कर रहे हैं तो कंटिन्यू के हिसाब से हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा वी वन प्लस आई एन जी। तो आई एन जी फॉर्म यहाँ भी है, आई एन जी फॉर्म आपको पास में भी लेके जानी है क्योंकि कंटिन्यूज वो भी है, तो पास वाली उठा लीजिए वॉज वर प्लस वी वन आई एन जी, ओके। अब देखो हमारे पास क्योंकि तीन हैं, तीनों में से हमें चूज़ करनी है, तो ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इज़ को आप सिंगुलर के साथ यूज़ कीजिए, एम को आप आई के साथ यूज़ करेंगे, ये आपके प्लूरल के साथ जाएगी, इसे सिंगुलर के साथ यूज़ कीजिए ये प्लूरल के साथ जाएगी, और वी वन आई एन जी आपका दोनों में रहेगा, ठीक है। अब आते हैं परफेक्ट पे, परफेक्ट की बात करेंगे तो हमारे पास वर्ब आती है वी थ्री, वी थ्री अगर एक्टिव वॉइस में कहें तो V3 इन तीनों के बिना नहीं आएगी, इन तीनों में से हमें कुछ लेना है
इन तीनों में से लेना है तो ये हमारा प्रेजेंट है, ये हमारा पास्ट है। तो प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट का ले लीजिए, एंड पास्ट की करें तो पास्ट वाला ले लीजिए। बस यहाँ पे हमें परफेक्ट में लेना पड़ेगा हैज़ अव के साथ V3 और पास्ट में लेना पड़ेगा हैड V3। अगर आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाती है ना कि ये हमारी प्रेजेंट फॉर्म्स हैं और ये हमारी पास्ट फॉर्म्स हैं, तो थोड़ा ईजी हो जाएगी हर टेंस में चीज़ों को सीखने की। और इवन देन कि आप एक्टिव पैसिव भी करेंगे तब भी आपको ये याद रहना शुरू हो जाएगी। तो ये हैज़ अव के साथ और ये हैड के साथ। अब हैज़ अव है तो एस वाली जो सिंगुलर है, हैव जो है वो प्लूरल है, और इसके साथ ऐसा कुछ है नहीं है। सिंगुलर के साथ भी सेम रहेगी एंड प्लूरल के साथ भी सेम रहेगी। परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, देखिए परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में अगर सोचें तो एक तो परफेक्ट है और एक कॉन्टीन्यूस है, दोनों है, यानी कि दोनों फॉर्म हमें यूज़ करनी है। तो इसको थोड़ा सोचिएगा कि एक तो हमें परफेक्ट फॉर्म लेनी है, तो परफेक्ट के लिए हमारे पास फॉर्म है ये हैज़ अव वाली, यहाँ से उठानी पड़ेगी, तो ये ले ली हमने हैज़ अव। ओके, और हमने कहा कि हैज़ अव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अगर हम डायरेक्टली वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं तो ये तो परफेक्ट बन जाएगा, हमें कंटिन्यू भी बनाना है और हमें ये रूल भी रखना है कि हैज़ अव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। देन आपको बी के फॉर्म के पास वापस जाना होगा। बी के पास टोटल 8 फॉर्म्स होती है, इज एम आर, 3 ये हो जाती है और उसके बाद 2 ये हो जाती है, एंड आपके पास जो है बीन और बींग भी होती है। ठीक है, बीन और बीन बींग भी होती है एंड बी बेस फॉर्म में खुद भी होती है। तो ये आपको याद रखना है कि इन इसके पास ये कुछ फॉर्म्स भी होती है। बींग का जो हम यूज़ करते हैं ये हमारा अगर एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं दैन तो ये बींग पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं, लेकिन एज अ मेन वर्ब यूज़ करते हैं तब ये इसकी कंटिन्यू हो जाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हैज़ हैव के साथ, ये अभी बी की एक सेपरेट वीडियो में हम बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ भी क्लियर कर लेंगे। अब हैज़ हैव के साथ हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, तो थर्ड फॉर्म हमारी बीन है, तो हमें यहाँ पे बी की फॉर्म लाकर फिर हम आईएनजी फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। अब आप इसके साथ V1 आईएनजी वर्ब यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का था, ये पास्ट परफेक्ट का है, तो पास्ट परफेक्ट के लिए आप यहाँ पे हैड लाइए, हैड के साथ बीन लाइए, बीन वही रूल यहाँ भी चलेगा कि हैड के बाद भी हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, और थर्ड फॉर्म के बाद अब आप यहाँ पे V1 कंटिन्यूस के लिए आईएनजी लगा दीजिए। बाकी जो रहेगा इसके साथ बहुत कुछ है, देखिए सीन्स फॉर और वो सब यूज़ करना है, लेकिन अभी हम ये सिर्फ वर्ब का यूज़ सीख रहे हैं। बट जब सेपरेट वीडियोज़ में सीखेंगे सीन्स कहाँ लगेगा, फॉर कहाँ लगेगा। यहाँ पे फ्यूचर के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें हर टेंस में विल और शैल यूज़ करना है, इसके यानी चारों में विल शैल तो लगाना ही है। अब देखो सब्जेक्ट है पहले, फिर प्लस हमारे पास वर्ब आएगी, तो देखो विल और शैल यूज़ कर लीजिए, पहले आना ही है विल और शैल। और विल और शैल, अब एक और चीज़ को यहाँ समझना ज़रूरी है कि जितने भी मॉडल्स हैं वो अपने साथ हमेशा ही वर्ब की बेस फॉर्म लेंगे। और बेस फॉर्म कौन सी होती है, जैसे बी को छोड़ के, जैसा कि मैं पहले भी बताया कि बी को छोड़ के बेस फॉर्म जितनी भी V1 है सारे बेस फॉर्म है V1 की प्लूरल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म जानिए कि एस विदाउट एस ई एस। तो किसी के साथ अब किसी भी मॉडल को आप ING फॉर्म में नहीं लगा सकते हैं। हाँ, कैन का कुड कर सकते हैं, विल का वुड कर सकते हैं, बट नॉट इन द टेंस। इस टेंस में ऐसे नहीं आप कर रहे हैं, इसमें आप सेक्चर यही रखेंगे। जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं तब वो रूल रहते हैं कि विल को वुड कर लीजिए, शैल को शुड कर लीजिए, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि परफेक्ट में आप शुड कर दीजिए, इसमें आपको विल और शैल ही यूज़ करना है। तो अब आप देखिए यहाँ पे आपने लगाया सब्जेक्ट विल शैल, अब यहाँ हमने कहा कि ओनली बेस फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, तो विल और शैल के साथ यहाँ पे लगा दीजिए V1 बेस फॉर्म। अब इसके बाद आता है कि हमें कंटिन्यू यूज़ करना है, तो विल शैल तो लगाना ही है, चारों में लगा दीजिए चाहे विल शैल तो। लेकिन अभी हमें क्या करना है, जैसा कि मैंने कहा कंटिन्यू है तो ING चाहिए, ING चाहिए तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते, विल शैल के साथ हमारा वो रूल भी तो काम करना चाहिए कि विल शैल हमारे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। तो फर्स्ट फॉर्म बी की क्या है, फर्स्ट फॉर्म हमारे बी की बी कुड है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, बी लगा रहे हैं, तो विल शैल बी। अब आप क्या लगा सकते हैं, ING फॉर्म लगा दीजिए।
वी वन आई एन जी फॉर्म, ठीक है। अब नेक्स्ट में आता है परफेक्ट। परफेक्ट में मैंने आपको जैसे कहा कि आप क्या लगाएंगे, हैज़ हैव हैड के बिना थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती, हैज़ हैव हैड जो है उसके बिना थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती, इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए वहाँ पे। और विल शैल का रूल कहता है कि आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, जिसमें से हमारे पास हैज़ और हैव जो है वो जो है वो है वो बेस फॉर्म है, और उसके बाद हमने इससे हैज़ और सिंगुलर और प्लूरल ये दोनों रखा, यानी यहाँ से सिंगुलर और ये वर्ब है प्लूरल। तो हमारी जो बेस फॉर्म है, हमें तो बेस फॉर्म लगानी है ना यहाँ पे, तो बेस फॉर्म हमारी क्या है, हैव है। तो याद रखिएगा कि सब्जेक्ट यहाँ कोई ही शी कुछ भी हो, हमें यहाँ पे विल शैल के साथ हैव ही लगाना है। तो ये हमारी फर्स्ट फॉर्म होगी। जनरली बच्चे क्या करते हैं, विल शैल के साथ भी हैड लगा देते हैं या हैज़ लगा देते हैं अकॉर्डिंगली, जैसे शी आ गया तो। ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको हैव ही यूज़ रखना है। उसके बाद हैव के बाद आप क्या कर सकते हैं, वी थ्री लगा सकते हैं, ये आपका हो गया परफेक्ट। उसके बाद आता है परफेक्ट कंटिन्यूस, विल शैल। विल शैल के बाद देखिए कंटिन्यू है तो आपको कौन सी वर्ब यूज़ करनी है, आई एन सी वर्ब यूज़ करनी है। विल शैल के जस्ट बाद आप आई ये यूज़ कर नहीं सकते, परफेक्ट बनाने के लिए हैव लगाना है, हैज़ अव हैड में से लगाना है, ठीक है। तो विल शैल हैव प्लस, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी थी, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, बीन लगा दीजिए क्योंकि इसको थर्ड फॉर्म चाहिए थी, तो विल शैल हैव बीन, अब आई एन जी वर्ब यूज़ कर लीजिए। तो अब और स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं याद करने के तरीके से। देखिए सिंपल प्रेजेंट और पास्ट में दोनों में ही आपने देखा कि कोई हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं पड़ी, वी वन एंड वी टू सिंपल प्रेजेंट में यूज़ किया V1, पास्ट में यूज़ किया V2, ठीक है। कंटिन्यूस में हमने यूज़ किया, अगर फ्यूचर में चलेंगे तो उसको अलग लेके चलेंगे। कंटिन्यूस में हमने यूज़ किया इज़मार, वॉज वर, आई एन जी, ठीक है। दोनों में हमने इधर प्रेजेंट की इज़मार और उधर हमने पास्ट की, और दोनों में आई एन जी। उसके बाद परफेक्ट में हैज़ा यानी कि प्रेजेंट का यूज़ किया, पास्ट का हैड यूज़ किया, और दोनों में ही V3 लगा दिया। परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज़ अव के साथ थर्ड फॉर्म लगाई, बी की फॉर्म चल रही है सारी। टोटल देखिए सभी में आप देखेंगे ये हमारी मेन वर्ब है। अभी तो आपको इसका नेगेटिव बनाना वो हम एक सिंगल में स्लाइड में सीख लेंगे कि जब हम प्रेजेंट सिंपल को करेंगे यानी सिंपल प्रेजेंट को करते समय उनके चारों टाइप सीख लेंगे। तो जब आपने ये देखा कि यहाँ पे हमने V1 SES यूज़ किया यानी सिंगुलर वर्ब भी यूज़ कर रखी है, प्लूरल वर्ब भी यूज़ कर रखी है, तो वो यहाँ पे है सिंगुलर एंड प्लूरल। अदरवाइज ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, और ये भी प्रेजेंट है, ठीक है। और ये हमारे बी की फॉर्म्स, ये हमारी मेन वर्ब्स हैं, और ये हमारी हमने बी की फॉर्म्स यूज़ करी है, ये हमने हैज़ अव की वर्ब यूज़ की है। तो इस तरीके से हमने हमारी हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब्स को यूज़ किया है, डू, हैव और बी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने वॉज वर्ब के साथ आई एन जी किया है, फ्यूचर के साथ फिर से देख लेते हैं कि सभी फ्यूचर में हमने विल शैल यूज़ किया है। वहाँ पे यहाँ एक शायद नहीं, विल शैल यूज़ किया है, चारों हो गए हैं यहाँ, विल शैल यूज़ किया है, और इसमें हमने V1 यूज़ किया है, ठीक है। वैसे V1 यहाँ भी है प्रेजेंट में भी, और V1 वहाँ भी है उसमें भी, बस वहाँ पे आप SES वाली यूज़ नहीं कर सकते। ING तीनों में ही है, ठीक है। V3 तीनों में ही है, परफेक्ट तीनों में V3 लगाएंगे। इधर बीन आपने तीनों में यूज़ किया है, डिफरेंस क्या रहा, यहाँ भी हैव बीन है, वहाँ भी हैव बीन है, यहाँ हैज़ और हैव का डिफरेंस है, वहाँ सिर्फ हैव है, और यहाँ हैड है क्योंकि पास्ट है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है, और आप इसे अगर एक बार थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे तो आप इसको दो बार देख लीजिएगा, और ये समझ में आने के बाद हम इसको नेगेटिव की तरफ लेके भी चलेंगे कि किस तरह से इसको नेगेटिव बनाना है। तो आई होप आपको क्लियर है, और आप वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए। आप शेयर नहीं करते हैं शायद, इसको शेयर करिए ताकि काफ़ी लोगों तक ये पहुंच सके और हमें भी मोटिवेशन मिले आगे और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।